अरबाब इल्म व दानिश, वाजिबुल एहतराम उलमाए किराम, तलबाए अज़ीज़, बरादर मुकर्रम उस्तादुल कुर्रा हज़रत मौलाना क़ारी फ़ारूक रहीमी साहब दामत बरकातुहुम, मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, आज हम यहाँ क़ारी रहीम बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह इस्लामिक यूनिवर्सिटी में सालाना दस्तारे फ़ज़ीलत के उन्वान से मुअन्वन इस बाबरकत तकरीब में आधी रात के वक्त, जबकि अल्लाह अपनी शान के मुताबिक आसमान दुनिया पर मौजूद है, उसको राज़ी करने के जज्बे से जमा हुए बैठे हैं। सबसे पहले मैं आप सबको सलाम पेश करता हूँ कि इतनी तवील नशिस्त में शिरकत के बावजूद न आपकी थकन, न आपकी आँखों में थकन नज़र आ रही है, न आपके जज्बे मांद पड़ते दिखाई दे रहे हैं। मैं खुद को सआदतमंद समझता हूँ कि वो इदारा जो हमारे उस्ताद मोहतरम हज़रत क़ारी उबैदुल्ला रहीमी रहमतुल्लाह ताला अलैह के शागिर्दे रशीद हज़रत क़ारी फ़ारूक साहब दामत बरकातुहुम लेकर चल रहे हैं, उसकी सालाना तकरीब में मुझे शामिल होने का मौका मिला। ये मेरे लिए खुशनसीबी की बात है। मुझे कुछ दोस्तों ने कहा कि शाह साहब रात के 2 बजने वाले हैं, अभी तक आपका बयान नहीं आया। तो मैंने कहा कि मैं यहाँ मेहमान नहीं हूँ, ये मेरा अपना इदारा है, फजर के बाद भी बयान मिलेगा तो मेरे लिए सआदत ही होगी। चूँकि वक्त बहुत गुज़र चुका, इंतहाई मुख्तसर से वक्त के लिए मैं अपने उस्ताद हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल्ला साहब दामत बरकातुहुम, उन्होंने अपने बयान में जो नुक्ता इरशाद फरमाया था, उसी को बुनियाद बनाकर आपके सामने चंद गुज़ारिशात पेश करूँगा। उन्होंने ये फरमाया था कि इंसान जिस चीज़ पर मेहनत करता है वो चीज़ कीमती हो जाती है, लेकिन दीन ऐसी चीज़ है कि उस पर मेहनत करने से इंसान कीमती हो जाता है। तो मैं इसको आगे बढ़ाते हुए अर्ज़ करूं कि हमारे और आपके महबूब सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कायनात में इंसान को कीमती बनाने तशरीफ़ लाए। जैसे कुछ लोग लोहे को कीमती बनाते हैं, कुछ लकड़ी को कीमती बनाते हैं, कुछ धागे को कीमती बनाते हैं, कुछ मिट्टी को कीमती बनाते हैं, मुहम्मद ने इंसान को कीमती बनाया है। ये लोहे का राड देखते हैं, लोहार की पहचान मिलती है। लकड़ी की कुर्सी देखते हैं, तरखान का इरफान मिलता है। मस्जिद के दरो दीवार देखते हैं तो मज़दूर और मेमार समझ में आते हैं। किरणों से सूरज की पहचान होती है, चांदनी से चांद की पहचान होती है, शागिर्दों से उस्ताद का पता चलता है। मैं अपनी नज़र को क्या करूं, जब अबू बकर व उमर उस्मान व अली को देखता हूं, मुहम्मद मुस्तफ़ा की पहचान होती है। मेरे आका ने जिन तालीमात के ज़रिए सहाबा को कीमती बनाया, उन्हीं तालीमात का नाम कुरान करीम है। और अल्लाह ने कुरान करीम का जब तारुफ करवाया तो अजीब लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया, वनुनज़िलु मिनल कुरआनी मा हुआ। हज़रत दवा नहीं कहा अल्लाह ने, अल्लाह ने ये नहीं फरमाया वनुनज़िलु मिनल कुरआनी मा हुआ दवा उन, क्यों?
कि दवाई से कभी शिफा मिलती है कभी नहीं मिलती है। अल्लाह ने फरमाया ना ना, दवा नहीं बनाया कि पता नहीं किसी को शिफा मिले ना मिले, मैंने कुरान को शिफा बनाया है। यकीनी बात है जैसे ही कोई मरीज़ चलकर कुरान की तरफ आएगा अल्लाह उसको ज़रूर शफा याब फरमाएगा। एक वाक़या अजीब अर्ज़ करता हूँ अज़ीज़ दोस्तों, लेकिन आपकी कामिल तवज्जो चाहिए होगी मुझे थोड़ी सी। हाँ, तवज्जो आपकी। एक शख्स रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और हालत उसकी ये थी कि रो रो कर आंखें सुर्ख हो चुकी थी, शर्मिंदगी से सर झुकाए बैठा था। आकर कहने लगा, अल्लाह के महबूब, अगर मैं इस्लाम कबूल कर लूं तो क्या अल्लाह मेरे कुफ्र के किए हुए गुनाह माफ़ कर देगा? रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ मेरे रब का ऐलान है, इन्नल इस्लाम यहदिमु मा काना क़ब्ला, कि ज़माने इस्लाम से कबल तुमसे जो गुनाह हुए कबूल इस्लाम के वक्त अल्लाह उन तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देंगे। तो वो बिलक बिलक कर रो पड़ा जैसे बच्चे रोते। कहने लगा, अल्लाह के महबूब आप सच कहते हैं, लेकिन मुझसे इतना बड़ा गुनाह हुआ है, मुझसे इतना बड़ा जुर्म सरजद हुआ है कि मुझे डर लगता है शायद आपका रब मुझे माफ़ ना करें। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्यों भाई, ऐसा क्या जुर्म करके आए हो? वो कहने लगा, अल्लाह के रसूल, मैंने अपनी जीती जागती बेटी को जिंदा जमीन में दफन किया है। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कोई अनोखी बात नहीं, ये तो अरब का मुआशरा और रिवाज यही था, लोग बच्चियों को जीने नहीं देते थे। वो कहने लगा, अल्लाह के रसूल, नहीं, बाकी लोगों में और मुझ में एक बहुत बड़ा फ़र्क है। बाकी लोग अपनी बच्चियों को उस वक़्त ज़मीन में दफन करते थे जब वो नौ मौलूद होती थीं, ना उनका शुरूर काम कर रहा होता था, ना उनके सेंसेस काम करते थे, ना उनकी नज़र काम करती थी, ना समात, ना वो बोल सकती थीं। लेकिन जब मैंने अपनी बच्ची को ज़िंदा ज़मीन में दफन किया, वो छोटी बच्ची नहीं थी, वो 7-8 साल की जीती जागती ज़िंदगी से मामूर बच्ची थी। मेरे आका हैरान हो गए, फरमाने लगे, ये क्या किया तुमने, ये कैसे हो गया? कहने लगा, अल्लाह के महबूब, मैं सफ़र पे जा रहा था, मेरी घरवाली उम्मीद से थी, 8-9 साल का सफ़र था। मैंने अपनी घरवाली से कहा, अगर बेटा पैदा हो तो अच्छा नाम रखना, अच्छी तरबियत करना, बहादुर दलेर जवान बनाना, लेकिन अगर बेटी पैदा हो किसी को इत्तला देने की ज़रूरत नहीं, मेरा इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं, पैदा होते ही ज़मीन में गढ़ा खोद के दफन कर देना। और ये वाक़या मैं आपको इसलिए नहीं सुना रहा कि हम चंद मिनट की लज्जत ले लें, मैं ये आईना आपके सामने रखना चाह रहा हूँ ताकि इस आईने में ज़रा हम अपनी तस्वीर भी देख लें, कहीं हमारा शुमार भी उन लोगों में से तो नहीं होता कि बेटा पैदा हो तो खुशियां मनाते हैं, दावतों का एहतमाम करते हैं, घरवाली के लिए या बहू बेटी के लिए जेवरात तैयार करते हैं, और अगर बेटी पैदा हो जाए तो तलाक के कागजात तैयार करते हैं। याद रखना, अल्लाह ऐसे नादान पर बहुत गज़बनाक है। फरमाया, वइदा बुशिर अहदुहुम बिल उनसा, वइदा बुशिर अहदुहुम बिल उनसा वल्ला वजुहु मुस्वद्दा वहुवा कज़ीम यतवारा मिनल क़ौमि मिन सूई मा बुशिर बिह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, कितने नादान हैं वो लोग, इबलीस के गुलाम हैं वो लोग, कि अगर घर में बेटा पैदा हो
तो बहू के लिए जेवरात तैयार करवाते हैं, दोस्तों को पैगामात भिजवाते हैं, खुशियां मनाते नजर आते हैं, घरवाली के लिए लिबास तैयार करवाते हैं। लेकिन अगर उसी घर में बेटी पैदा हो जाए तो बहू के लिए, बेटी के लिए, घरवाली के लिए तलाक के कागजात तैयार करवाते हैं। रब्बुल आलमीन ने फरमाया, कितने नादान हो तुम, अला सा मा यहकुमून, कितने नादान हो तुम, तुम्हारा अकीदा किसने खराब कर दिया। क्या तुम ये समझते हो कि बेटा पैदा करना या बेटी पैदा करना बीवी के इख्तियार में है, बहू के इख्तियार में है। रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ऐसा हरगिज़ नहीं, बेटा देना या बेटी देना बीवी के इख्तियार में नहीं, ये किसका इख्तियार है। वो कहने लगा, अल्लाह के महबूब, मैं अपनी घरवाली को हिदायत देकर सफ़र में चला गया। 8-9 साल के बाद जब मेरी वापसी हुई, मैंने घर में दाखिल होते ही पूछा, बताओ ना हमारे घर में क्या खुशी की खबर आई थी, मैं तो बेकरार हूँ, बेचैन हूँ। मेरी घरवाली ने कहा, आप तवील सफ़र से आए हो, कुछ देर आराम कर लीजिए, खाना खा लीजिए, अभी सारी तफसीलात आपको बताती हूँ। वो सीधा चला गया अपने बिस्तर पर। वो कहने लगा, अल्लाह के महबूब, कुछ देर बिस्तर पर बैठा था, अचानक मुझे अपने घर के दरवाजे से आहट सुनाई दी। मैंने नज़र उठाकर देखा तो 7-8 साल की मासूम बच्ची मेरे घर में दाखिल हुई, जो इतनी खूबसूरत थी, मुझे तो यूं लगता था कि उसको देखकर 14वीं का चांद भी शर्माता होगा। अल्लाह के महबूब, वो बच्ची घर में दाखिल हुई, बड़े सलीके से मुझे आदाब किया, मेरे करीब आई, मेरे हाथों पे बोसा दिया, मेरे माथे पर बोसा दिया और फिर बावर्ची खाने में चली गई। वहाँ से पानी लाकर मेरे हाथ धुलवाए, मेरा मुंह धुलवाया, फिर बावर्ची खाने में चली गई। वहाँ से दस्तरखान लाकर मेरे सामने बिछाया, फिर बावर्ची खाने में चली गई। वहाँ से बर्तन लाकर दस्तरखान पर रख दिए, फिर अंदर चली गई। वहाँ से गर्मा गर्म खाना लाकर मेरे सामने रख दिया। और अल्लाह के महबूब, खाना रखने के बाद वो बच्ची चली नहीं गई, वो वहीं मेरे करीब बैठ गई और अपने नन्हे नन्हे मासूम हाथों से निवाले तोड़ तोड़ कर लुकमे मेरे मुंह में डालने लगी। अल्लाह के महबूब, उस बच्ची की अदाओं ने मेरा दिल जीत लिया, मेरे दिल में मोहब्बत का समंदर मौजजन हो गया। मैंने अपनी घरवाली से कहा, ज़रा बताओ तो सही ना, ये किन खुशनसीब वालिदैन की बच्ची है, इतनी सलीका शियार, इतना एहतराम करने वाली, इतने अदब और आदाब की रियायत रखने वाली। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, फिर क्या हुआ? वो कहने लगा, अल्लाह के महबूब, मेरी मोहब्बत के अंदाज़ को महसूस करके मेरी घरवाली खुश हो गई। उसने सोचा, मुनासिब मौका है, इसको सारी तफसीलात बता दूं। वो कहने लगी, वो खुशनसीब वालिदैन कोई और नहीं, मैं और तुम हैं जिनके घर में इस बच्ची ने जन्म लिया है। तुम तो बड़े आराम से कहकर चले गए थे कि बेटी पैदा हो तो ज़मीन में दफन कर देना। अरे मैं तो माँ थी ना, मैं अपने दिल के टुकड़े को कैसे ज़मीन में दफन कर देती। मैंने इसको अपने सीने से लगाया, सारी दुनिया से छुपाया, रात के अंधेरे में अपनी हमशीरा के घर पहुंचाया। ये वहीं परवरिश पाती रही, वहीं खेलती रही, वहीं जिंदा रही। और मैं तुझे अजीब बात बताऊं, हर कुछ अरसे के बाद मैं खिलौने लेकर, लिबास तैयार करके, लजीज खाने बनाकर इससे मिलने जाती, ना ये खिलौनों को हाथ लगाती, ना ये खाने का लुकमा चखती, ना लिबास की तरफ नज़र उठा कर देखती। इसकी ज़बान पर एक ही बात होती, अम्मा बताओ ना मेरा वालिद कब वापस आएगा, मैं उसको देखना चाहती हूँ, मैं उसकी खिदमत करना चाहती हूँ। ये तेरे नाम की तस्बीह पढ़ती थी, मैं इसको रोका करती थी, नाना कभी अपने बाप के सामने ना आना, वो बड़ा संग दिल है, तुझे ज़िंदा नहीं रहने देगा, तुझे मार देगा। और ये हमेशा कहा करती थी, बाप है, मारता है तो मार दे, मर जाऊंगी लेकिन एक दफा अपने वालिद के चेहरे पर बोसा जरूर दूंगी।
रहमत आलम ने पूछा फिर क्या हुआ? वो कहने लगा अल्लाह के महबूब, जैसे ही मुझे पता चला कि ये किसी और की नहीं मेरी बेटी है, मेरी सारी मोहब्बत नफरत में बदल गई, मेरा सारा प्यार गुस्से में बदल गया, और मैंने दिल में तय कर लिया इसको जिंदा नहीं रहने दूंगा, इसको मार के दम लूंगा। मैंने अपनी घरवाली से कहा ज़रा जाओ मेरे हथियार और औजार लेकर आओ, मैं ज़रा देखूं, घर में लकड़ियां कम है, जंगल से लकड़ियां काट के लाता हूं। और हाँ, आज पहली मुलाकात है मेरी बेटी की मुझसे, मैं चाहता हूं आज इसको बाजार लेकर जाऊं, कुछ खिलौने लेकर दूं, कुछ मिठाइयां लेकर दूं, पहली मुलाकात को यादगार बनाऊं। रहमत आलम ने पूछा फिर? वो कहने लगा अल्लाह के महबूब, मेरी बच्ची तो वैसे ही हसीन थी, महजबीन थी, जब मेरी घरवाली ने उसका मेकअप किया, उसके कपड़े बदले, सर पे चादर लखी, उसके बाल संवारे, वो तो चंदे आफताब चंदे महताब बन गई। मैंने एक हाथ में औजारों का थैला पकड़ लिया, दूसरे हाथ में अपनी बच्ची का हाथ थामा, और बाहर घर से निकलकर बाजार जाने के बजाय जंगल का रास्ता पकड़ लिया। रहमत आलम ने पूछा फिर क्या हुआ? वो कहने लगा अल्लाह के महबूब, मेरी बेटी उस दिन खुशी से दीवानी हो रही थी, मुझसे मुस्कुरा मुस्कुरा कर बातें कर रही थी, अपनी जिंदगी के हालात मुझे सुना रही थी, अपने फिराक पर और जुदाई पर अशआर सुना रही थी। अल्लाह के महबूब, मुझसे उसकी खुशी नहीं देखी जा रही थी, वो कह रही थी अब्बा आज पहली मुलाकात है, मेरी अम्मा तो गंदी माँ है, मुझे आपके खिलाफ बातें करती थी, आप तो कितने प्यारे हो, आप तो कितनी मोहब्बत करने वाले हो, मुझे मिठाई दिलवाने जा रहे हो ना, मैं अपनी दोस्तों को सहेलियों को बताऊंगी, मेरे अब्बा ने मुझे मिठाई खिलाई, मेरे अब्बा ने मुझे खिलौने लेकर दिए। रहमत आलम ने पूछा फिर क्या हुआ? वो कहने लगा अल्लाह के महबूब, मैं अपनी उस बच्ची का ज़ोर से हाथ पकड़ कर जंगल में ले गया, एक दरख्त के नीचे उसको बिठाया, और खुद दूर जाकर ज़मीन में गढ़ा खोदना शुरू किया। गढ़ा खोदते खोदते कब्र तैयार हो गई, मैं थकन से चूर होकर ज़मीन पे गिर गया। मेरी बेटी दौड़ती हुई मेरे पास आई, कहने लगी अब्बा कहीं चोट तो नहीं लग गई? अब्बा क्यों इतना पसीना बहा रहे हो? इतनी शदीद गर्मी में क्यों कब्र बना रहे हो? हम तो मिठाई लेने आए थे ना, हम तो लकड़ियाँ काटने आए थे ना, आप सारे कामों को छोड़कर क्यों कब्र बना रहे हो? रहमत आलम ने पूछा फिर क्या हुआ? वो कहने लगा अल्लाह के महबूब, मैंने बड़ी बेरहमी से अपनी बेटी से कहा, किसी और के लिए कब्र नहीं बना रहा, तुझे दफन करना चाहता हूं। वो कहने लगा अल्लाह के महबूब, मेरी बच्ची सर से पांव तक कांप गई, लरज गई, उसका गुलाबी चेहरा मौत के खौफ से पीला पड़ गया, आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए, दोनों हाथ माफ़ी के तौर पर बांध लिए, कहने लगी अब्बा मैंने आज तक कोई जुर्म नहीं किया, मैंने आज तक तेरी हुक्म अदूली नहीं की, मैंने आज तक तुझसे कोई फरमाइश नहीं की, सारी जिंदगी मैंने तेरे इंतज़ार में गुजारी अब्बा, मैं तो सोचती थी कि तू बड़ा रहम दिल है, कितना मोहब्बत करने वाला है, मुझे क्या खबर थी कि तू मुझे मार डालेगा अब्बा, ले सुन मैं तुझसे वादा करती हूँ, उम्र भर तुझे अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी, कभी तेरे सामने नहीं आऊंगी, तुझसे कोई फरमाइश नहीं करूंगी, कोई खिलौना नहीं मांगूंगी, कोई रोटी का लुकमा नहीं मांगूंगी, मेरे अब्बा मुझे जीने का हक दे दो ना, मुझे ना मारो ना, मुझे मौत से डर लगता है, मुझे कब्र से डर लगता है, मुझे इसके अंदर सोने से डर लगता है, अब्बा मैं तो आज तक कभी घर में तन्हा नहीं सोई, हमेशा मेरी खाला मेरे साथ सोया करती या मेरी अम्मा मेरे साथ सोया करती, अब्बा मुझे न मारो। रहमत आलम की आंखों से आंसू बरसना शुरू हो गए। क्यों ना रोते वो तो फातिमा रुकैया उम्मे कुलसूम के वालिद थे ना, वो तो जैनब के अब्बा थे ना। रहमत आलम ने पूछा फिर तुझे उस पर रहम ना आया? वो कहने लगा अल्लाह के महबूब, रहम क्या आना था, मैं तो शैतान बना हुआ था,
मैंने अपनी रोती बिलबिलाती बच्ची को बालों से पकड़ के खींचा और उसको कब्र के करीब लाकर मैंने उसकी कमर पे लात मार के कब्र में धक्का दिया। अल्लाह के महबूब, मेरी बच्ची रोती रही बिलकती रही, मुझे उस पर रहम नहीं आया। मैं उस पर मिट्टी डालता रहा। जब उसके चेहरे पर मिट्टी डालने लगा तो उसने ज़ोर से चीख मारी, कहने लगी, अब्बा आज तू ताकतवर है मैं कमज़ोर हूँ, आज तू बा इख्तियार है मैं बेबस हूँ, जो कर सकता है कर ले, लेकिन याद रखना एक दिन आएगा जब मेरा हाथ होगा तेरा गरीबान होगा, गिन गिन कर बदले लूँगी तुझसे। वो कहने लगा, अल्लाह के रसूल वो दिन है आज का दिन है, मैं रात को सो नहीं सका, मैं सोने लगता हूँ, मुझे समातों में अपनी बच्ची की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है, मैं रोटी खाने लगता हूँ, मुझे लगता है मैं अपने बच्ची का गोश्त नोच के खा रहा हूँ, मैं पानी पीने लगता हूँ, मुझे लगता है कि जैसे अपनी बच्ची का खून पी रहा हूँ। अल्लाह के रसूल आप मुझे बताओ, क्या आपका रब मेरा ये गुनाह माफ़ कर देगा? रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे रो रहे थे अज़ीज़ दोस्तों कि मेरे पास कोई अल्फाज ही नहीं है अपने नबी की कैफियत को बताने के लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर भी उसको तसल्ली दी कि इन्नल इस्लाम यहदिमु मा काना कबला, परेशान ना हो, अल्लाह यकीनन इस्लाम की बरकत से तेरे इस गुनाह को माफ़ कर देंगे, लेकिन बस एक मेहरबानी करना, वही हक गैब अन्नी वजहक, कलमा तो मैं तुझे पढ़ा देता हूँ लेकिन आइंदा कभी मोहम्मद को अपनी शक्ल न दिखाना, कि जब तुझे देखूंगा मुझे तेरी तड़पती हुई बच्ची याद आएगी। ये जो लोग अपनी बच्चियों को जायदाद में हिस्सा नहीं देते ना, जो लोग अपनी बहनों की जायदादों पे कब्जा करके हाजी बने बैठे हैं ना, मिशकात की रिवायत है, मेरे नबी ने फरमाया, मन कता मीरा सवारिसी ही कता अल्लाहु मीरा सहू मिनल जन्ना, जो अपनी औलाद को मीरास से महरूम करेगा अल्लाह उसको जन्नत से महरूम फरमा देंगे। ऐसे मरीज जब कुरान करीम से वाबस्ता हुए अजीज दोस्तों, तो फिर इन्हीं के सजदों पर फरिश्ते रश्क किया करते थे। कुरान करीम तस्खीर कायनात का नुस्खा है, कुरान करीम किताब हिदायत है, किताब तरबियत है। याद रखना इसका हर लफ्ज़, इसकी हर आयत, इसका हर हर्फ, इसकी हर हरकत अल्लाह के किसी न किसी कानून को बयान करती है। आज की इस मुलाकात में मैं कुरान करीम का सिर्फ एक कानून आपके सामने रखूंगा और मुख्तसर सी बात करके हम इंशाल्लाह दुआ करेंगे। बहुत मैंने आप में से अक्सरों की आंखों में आंसू देखे हैं और मैं आपसे वादा करता हूं ये आंसू आपके ज़ाया नहीं जाएंगे। आज शब जुम्मा है, 250 के करीब बच्चों और बच्चियों ने कुरान मुकम्मल किया है और आधी रात से ज़्यादा गुजर चुकी है, तहज्जुद का वक्त है। आपके ये आंसू रायगा नहीं जाएंगे, मेरे रब की कसम है, उसकी रहमत आप पर बे इंतहा बरस रही है। आज सिर्फ एक हुक्म कुरान करीम का अल्लाह की तरफ से बयान किया हुआ सिर्फ एक कानून रखूंगा आपके सामने, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं, लेकिन उस कानून की खसूसियत क्या है? अगर उस कानून में कमज़ोर पड़ गए, अल्लाह के उस हुक्म में अगर कमज़ोर पड़ गए, मैं नाफरमानी नहीं कह रहा, अगर सिर्फ कमज़ोर भी पड़ गए, याद रखना इस्लाम की पूरी इमारत गिर जाएगी। अगर अल्लाह के उस हुक्म में कमज़ोर पड़ गए तो ना रोज़ा काम आएगा, ना हज काम आएगा, ना उम्रा काम आएगा, ना सदका काम आएगा। वो कानून आपके सामने रखता हूँ जो पूरे दीन की बुनियाद है, जो पूरी शरीयत की रूह है, और वो क्या है? फरमाया, वक़्ज़ा रब्बुका अल्ला ताअबुदू इल्ला इय्या, क़्ज़ा रब्बुका
रब्बुल आलमीन ने फरमाया हमने तुम्हारे लिए कानून बना दिया, फैसला सादिर कर दिया, दस्तूर लागू कर दिया। या अल्लाह क्या कानून है? रब्बुल आलमीन ने फरमाया अल्लाह ताबुदू इल्ला, अब ता कयामत कोई और तुम्हारा माबूद नहीं, तुम्हारे सजदे किसी और के आगे नहीं होंगे, तुम सबका माबूद कौन है? नहीं नहीं, आपका जवाब बता रहे, आप थक गए हैं। ओहो हो, अभी अल्लाह से इश्क नहीं किया ना आपने। जब किसी से इश्क होता है ना, उसके नाम में भी लज्जत मिलती है। अगर किसी ने इश्क किया हो आप में से, हज़रत को देखें ना, हज़रत क़ारी उबैदुल्ला साहब रहमतुल्लाह अलैह के कैसे दीवाने आशिक हैं। कोई जुमला उनके ज़िक्र के बग़ैर नहीं है हज़रत का। बेसाख्ता अश्कबार हो जाते हैं अपने उस्ताद मोहतरम का ज़िक्र करते हुए। और आपका अल्लाह से कैसा इश्क है भाई कि आप घबरा के नाम ले रहे हैं, शर्मा के नाम ले रहे हैं। रब्बुल आलमीन ने फरमाया कदा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इया, किसी और की इबादत की इजाजत नहीं, किसी और के सामने सजदा रेज होने की इजाजत नहीं, तुम सबका माबूद कौन? अभी भी थोड़ी कसर है। और ये देखें ना, ये मुझे बार बार हजरत याद दिला रहे हैं मेरे अब्बा का सबक जो उन्होंने पढ़ाया कि सिर्फ अल्लाह नहीं कहना, अल्लाह ही कहना है, अल्लाह ही कहना है। और इस ही में जरा जवान बन के दिखाओ ना, इस ही में जवान बन के दिखाओ। रब्बे काबा की कसम तुम्हें बता देना चाहता हूं, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें बुढ़ापे से नहीं बचा सकेगी, दुनिया का कोई डॉक्टर, कोई हकीम, कोई नुस्खा, कोई कुश्ता बुढ़ापे से नहीं बचा सकेगा। रब्बुल इज्जत की जलालत की कसम है, सिर्फ तौहीद का अकीदा है जो मुसलमान को बूढ़ा होने ही नहीं देता है। इसलिए आज तो मैं चाहता हूं बूढ़े जवान हो जाएं, आप तो सब जवान बैठे हुए हो। रब्बुल आलमीन ने फरमाया कदा रब्बुक, दिल की तख्ती पर लिख लीजिए ये कानून, मुल्तान के रोशन जमीरो, कहीं कोई लंबे जुब्बे वाला तुम्हारे अकीदे पर डाका न डाल दे, कोई चमकती दमकती तस्वीर लेकर तुम्हारे अकीदे को चोरी ना कर ले। जरा बेकरार होकर बताओ ना, अल्लाह ताबुदू इल्ला इया, कौन है तुम्हारा माबूद? अच्छा भाई, मैं कल रात को रावलपिंडी में था हजरत, हालांकि रावलपिंडी इस्लामाबाद शहर इख्तदार कहलाता है, वहाँ के लोग बड़े शर्मीले और बड़े पढ़े लिखे, बड़े अफसर किस्म के होते हैं, लेकिन मेरा रब जानता है जो रात को उन्होंने मुझे अल्लाह ही सुनाया है ना, अभी तक मेरे दिमाग में गूंज रहा है। और आप मुल्तान, अभी मैं सुन रहा था किसी शहजादे ने कहा था ये तो अताउल्ला शाह बुखारी का शहर है। हाय हाय, ऐसा अल्लाह ही कहो ना कि छत तो क्या, अर्श तक आवाज़ चली जाए। हम सब का माबूद कौन है? हम सब का मौजूद कौन है? हर जगह मौजूद कौन है? अल्लामुल गुयूब कौन है? और अजीज दोस्तों याद रखना, अल्लाह के सिवा कोई और इस काबिल ही नहीं कि हम उसके सामने सजदा रेज हो जाएं। हमारे वालिदैन ने हम पर इतने एहसानात नहीं किए जितना अल्लाह ने हमें नवाज रखा है। रब्बुल आलमीन ने फरमाया अलम नजअलिल अर्ज़ा मिहादा, जरा बताओ ना तुम्हारे लिए जमीन को कालीन बनाने वाला कौन? वल जिबाला औतादा, इस जमीन का बैलेंस कायम रखने के लिए पहाड़ों को सजाने वाला कौन है? وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا, तुम्हारी जिंदगी में तजवीज का रंग भरने वाला कौन है? रब्बुल आलमीन ने फरमाया يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا, तुम्हें औलाद की नेमत अता करने वाला कौन है?
और ज़रा मुल्तान वालों अपने दिल से पूछ के बताओ ना, हम सब की गलतियों और गुनाहों को ताना दिए बगैर मुआफ़ करने वाला कौन है। रब्बे काबा की कसम, दुनिया वाले हमारी गलतियों का इंतज़ार करते हैं, अल्लाह हमारी नेकियों को तलाश करता है। पता नहीं आपके यहाँ मैट्रिक का इम्तिहान हो रहा है आजकल, बच्चे जा रहे हैं ना इम्तिहान देने। हाय हाय, मैंने रात भी कहा था अजीज़ दोस्तों, हमारे तलबा इम्तिहान देने के लिए जाते हैं, उनका दिल कप कप आ रहा होता है। मेरी बेटी गई इम्तिहान देने, कहने लगी अब्बा जान, जैसे ही पर्चा मेरे सामने आया मुझे लगा जैसे मुझे कुछ भी नहीं आता, आंखों के सामने अंधेरा आ गया, परेशान हो गई, अगर फेल हुई तो क्या बनेगा। मैंने कहा अजीज दोस्तों, दुनिया के मुमतहिन, दुनिया के असातिजा हमें फेल करने के लिए बैठे हुए हैं। बच्चा पर्चा देकर आता है, उस्ताद लाल रंग का कलम उठाता है, उसकी गलतियों के गिर्द सुर्ख निशान लगाता है, फिर उसके नंबर काटता नजर आता है, फिर वालिदैन को बुला के बच्चे की गलतियां दिखाता है, बच्चे को शर्मिंदा करता नजर आता है। दुनिया वाले हमारी गलतियों को तलाश करते हैं, हमारी गलतियों पर काटा लगाते हैं, हमारे नंबर काटते नजर आते हैं। ओ कुर्बान जाऊँ अपने रब की रहमत पर, मेरा रब अपने बंदों की गलतियों को नहीं उनकी नेकियों को तलाश करता है। दुनिया वाले कहते हैं आओ ना जरा हमारे पास आओ ना, अगर तुमसे कोई गलती हो गई तुम्हें सजा देंगे, तुम्हें जेल में डलवाएंगे, एफआईआर करवाएंगे, तुम्हें सजा दिलवाएंगे, कैद खाने में डलवाएंगे, फिर लोगों को बताएंगे इसके करीब ना जाना, ये तो बड़ा मुजरिम है। और रब العالمین का ऐलान है, या इबादी अल्लज़ीना सरफु अला अनफुसिहिम ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह। आओ ना हमारे पास, तुम्हारे अगले पिछले हिसाब बराबर करेंगे। और अल्लाह के दरबार से ऐलान हो रहा है, कोई छोटी सी नेकी में कराओ ना, अगले पिछले गुनाहों को माफ करके दिखाऊंगा। बड़ी अजीब हदीस है अजीज दोस्तों, रहमत आलम ने फरमाया अल्लाह ने गुनाहगार को अपने करीब बुलाएंगे। किसको? जी तहज्जुद गुजार को, नेकोकार को, रोजेदार को, आबिद शमसिंदार को। नाना अल्लाह के गुनाहगार को अपने करीब बुलाए, हम तो गुनाहगारों को धक्के देते हैं ना। हमारे बच्चों से गलती हो जाए अखबार में आप करने का इश्तिहार देते हैं। रहमत आलम ने फरमाया अल्लाह के गुनाहगार को अपने करीब बुलाएंगे, और इतना करीब हत्ता यदाका नफरू अलैह। हाय, अब मैं इसका क्या तर्जमा करूं, क्यों ना मैं आपको अमली तर्जमा दिखाऊं। है जी कोई रुमाल हजरत जी, कोई रुमाल दे दो भाई साहब, इस तरफ आके बैठे ताकि आप सबको नजर आए। हत्ता यदाका नफरू अलैह, मेरी तरफ देखना जरा इस तरफ। गोया गोया के, ये अल्फाज का तर्जमा नहीं है, गोया के अल्लाह एक चादर लेकर गुनाहगार बंदे के सर पे डालेंगे ताकि किसी को उसका चेहरा भी नजर ना आए, किसी को उसका नाम भी पता ना चले। रहमत आलम ने फरमाया हत्ता यदाका नफ़हु अलैह, अल्लाह अपने गुनाहगार बंदे पर सत्तारी की चादर तान लेंगे, फिर अल्लाह उससे आहिस्ता बात करेंगे। हाँ मेरे बंदे याद है ना, तू फलां गुनाह करके, फला मौके पर तूने मेरी नाफरमानी, फला मौके पर तूने मेरा हुक्म तोड़ा। अतारिफु दंबा कदा, अतारिफु दंबा कदा, एक एक गुनाह अल्लाह उसको याद करवाएंगे। रहमत आलम ने फरमाया वो गुनाहगार इंसान शर्मिंदा हो जाएगा, मुजरिमों की तरह हाथ बांध कर खड़ा हो जाएगा, आंखों से आंसुओं की बारिश होने लगेगी, सर से पांव तक पसीने में डूब जाएगा। उसको शर्मिंदा होते देखकर अल्लाह का जोश रहमत जोश में आएगा। अल्लाह फरमाएंगे सबर तुहालैका फिद दुनिया, मेरे बंदे तू दुनिया में गुनाह किया करता था, मैं तेरे गुनाहों को छुपा दिया करता था, तेरी औलाद से भी छुपा लेता था, तेरी बहनों से भी छुपा लेता था,
तेरे वालिदैन से भी छुपा लेता था। सतरतुहा अलैका फिद दुनिया, दुनिया में मेरे कर्म का ये मामला था, मैंने तुझे कभी बदनाम न किया। मैं चाहता तो नकद सजा देता तेरे गुनाहों पर, तेरे हाथ कट जाते चोरी पर, तू अंधा हो जाता बदनिगाही पर, तू डाका डालते हुए मर जाता, लेकिन मैंने कभी नकद सजा तुझे नहीं दी। दुनिया में मेरा कर्म तेरे साथ साथ रहा, और आज आज तू अजीब रूप देखेगा अपने रब का। गफर तुहा लकल यमून, रब्बुल आलमीन फरमाए जितने मर्जी गुनाह लेकर आ जाओ, मैं ऐलान करता हूँ तेरे सारे गुनाह माफ कर दिए हैं। मेरे अजीज दोस्तों, अल्लाह जैसा कोई हो नहीं सकता, इसलिए बेकरार होकर जवाब दीजिए ना कि हम सबका माबूद कौन है, सबका मौजूद कौन है, अपने बीमार बंदों को शिफा याब करने वाला कौन है, हम सबकी बिगड़ी बनाने वाला कौन है, हमारी किश्ती पार लगाने वाला कौन है, वो तो हयात के पैसे फरमाने वाला कौन है। और ये कोई अनोखी बात तो नहीं, ये तो वही बात आपको सिखा रहा हूँ, वही आपसे कहवा रहा हूँ जो आपके बचपन में आपके वालिदैन ने आपको सिखाई थी। पता नहीं आपको याद रहा कि ना याद रहा, जब आपके वालिद आपको अपने कंधे पर बिठा कर झूला देते थे, और आपकी वालदा रात को सोते हुए अपने बाजू पर बिठा कर लोरियाँ देती थी, तो वो साथ साथ सिखाती थी, बेटा मरते मर जाना, ये सबक कभी ना भुलाना, ला इलाहा इल्लल्लाह। सबक सुनाया ये आपने, अच्छा सबक सुनाया। देखो हमारे हिफ्ज के तलबा हैं भाई साहब, जब बच्चे को सबक याद होता है ना, इतना ऊंचा सबक सुनाता है दूसरे महल्ले तक आवाज जा रही होती है। और जिस रोज जरा सबक में कमजोरी हो, मंजिल जरा फेरा न दिया हुआ हो, गलतियाँ छुपाई हुई हो, और उस्ताद जी को सुनाने का टाइम आ जाए, तो फिर उस्ताद को भी आवाज नहीं आ रही होती। तो आपका जो ये ला इलाहा इल्लल्लाह का जवाब है, ये मुझे बता रहा है कि कुछ थोड़ा सा सबक कमजोर हुआ पड़ा। चले कोई बात नहीं, मिलकर सबक को दोहरा लेते हैं ना, सबक को याद कर लेते हैं, ताकि जब इस मजलिस से उठे तो हमारे दिल अल्लाह की याद से मुनव्वर हो चुके हो। पढ़ेंगे ना मेरे साथ, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो फिर अल्लाह भी खुश होगा और मोहम्मद रसूलुल्लाह भी खुश होगा।